स्टूडेंट, चैप्टर शुरू कराने से पहले मैं आपको क्लास 9 के कुछ कंसेप्ट को रिकॉल कराता हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट, दिए गए पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं हम ग्राफ पेपर पर। यानी कोई पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब उसको आप लोकेट कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल एक पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट इज 2, -3, ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट के दो पार्ट्स होते थे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते थे। दिस एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, -3 यहां पर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, इसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। और जब लोकेट कराना होगा हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एब्सिसा हो जाएगा, एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वो हमारा ऑर्डिनेट जो कि -3 है यहाँ पर। तो अब लोकेट कैसे कराएंगे इसको, उसे कराने के लिए हम एक्स एक्सिस पर 2 एंड वाई एक्सिस पर -3 देखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 ये यहाँ है एंड वाई एक्सिस पर -3 ये यहाँ पर है। अब मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ करते थे लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा यहाँ तक और यहाँ तक ड्रॉ करूंगा। इनका मीटिंग पॉइंट स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। और यही मीटिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज 2, -3। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब की बार मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल -6 और 8। तो अब अगर इसे लोकेट कराना है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा की वैल्यू है -6 एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू है 8। तो मैं एक्स एक्सिस पर -6 कहीं यहां पर होगा एंड वाई एक्सिस पर 8 यू कैन सी हियर। तो अब मैं इन दोनों के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो जब पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे दिस यहां तक एंड अब जब यहां से ड्रॉ करेंगे ये दोनों इस पॉइंट पर मीट हो गए। और ये वाला पॉइंट जो है इनका मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज अ पॉइंट -6, 8। तो इस तरीके से हमने पॉइंट किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर लोकेट कैसे कराते, इस वे में कराते थे। अब एक और कंसेप्ट जो आपने इसी क्लास में पढ़ा है और लास्ट क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, वो क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब इसका ग्राफ हम फॉर्म करते थे तो ग्राफ कैसे आता था, स्ट्रेट लाइन। आपने इस चैप्टर में भी बनाया है, चैप्टर नंबर 2 को, जब हमने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने ग्राफ बनाया था। तो लीनियर इक्वेशन को जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती थी, ax + by + c, ax + by + c = 0, ये इसकी लीन स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। अगेन हमने इसी चैप्टर में पॉलिनोमियल के अंदर देखा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, y = ax² + bx + c। इसका ग्राफ हमारा क्या आता था, पैराबोला शेप का ग्राफ आता था, पैराबोलिक शेप का ग्राफ। तो ये कुछ कंसेप्ट हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब कुछ और नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।